इस सेशन में हम एसे टाइप आइटम्स में से जो एक्सटेंडेड रिस्पांस एसे क्वेश्चंस होते हैं उनके गाइडलाइन समझ लें कि सवालों को जब आप बनाएं तो बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। तो हमने जो पिछले सेशंस में लिमिटेशंस पढ़ी हैं इसकी, उन पे हम काबू पा सकते हैं, उनका इफेक्ट कम से कम कर सकते हैं और अच्छे एसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये गाइडलाइंस हम अभी इसमें देखते हैं। उन गाइडलाइंस में से बहुत सारी आपको शायद सुनने में रेपिटेशन लगे, लेकिन इनकी अहमियत की वजह से इनको दोबारा से ध्यान से पढ़ना और गौर करना भी बामानी है, क्योंकि इनका ख्याल रख के ही आप अच्छे आइटम्स बना सकते हैं ऐसे टाइप। क्वेश्चन को फ्रेम करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि पढ़ने वाले को यानी स्टूडेंट को जो जवाब देगा उसको ये क्लियरली पता चल सके कि हम उससे पूछना क्या चाहते हैं। ये बात पहले आपके जहन में होगी कि हमने इसका जिक्र कर रखा है, दोबारा इसलिए लिखी कि ये बहुत अहम है। मिसाल तौर पे जिस तरह के सवाल आप हमने मैं आपको मिसाल जो दी थी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान पे नोट लिखें, ये एक ऐसे टाइप सवाल आता है जिसके सवाल की स्टेटमेंट से मुझे कुछ समझ नहीं आता कि नज़रिया पाकिस्तान का कौन सा पहलू और मुझे उसके बारे में किस तरह से डिस्कशन करनी है, यानी किन चीज़ों को मुझे हाईलाइट करना है, मेरे जवाब के जरिए से एग्जामिनर उन बातों में से किस चीज़ को देखना चाहता है, कौन सी स्किल्स मेजर करना चाहता है। ये नहीं लिखा हुआ सवाल में कहीं पे भी, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि नज़रिया पाकिस्तान पे नोट लिखें। ठीक है, ऐसे सवाल जो हैं वो जो इनका जवाब जब गलत आता है तो उसकी वजह, यानी जवाब गलत से मेरी मुराद है मेरी तवक्को के मुताबिक जवाब नहीं आता, तो इसमें जवाब देने वाले का शायद उतना कसूर नहीं होता जितना मेरे सवाल के स्ट्रक्चर का कसूर होता है। सो लिहाजा जब आप इन क्वेश्चंस को फ्रेम करें तो आप इस बात को जहन नशीन करें कि हमें एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पर ये बात लिखनी है कि स्टूडेंट की कौन सी स्किल्स हम चेक करना चाहते हैं और किस नौइयत का जवाब हमें दरकार है। इसी तरह जैसे ये भी बात हम पहले कर चुके हैं कि टाइम लिमिट हमें बतानी चाहिए। ये टाइम लिमिट बताने से स्टूडेंट को अपने टेस्ट की टाइम एडजस्टमेंट में फ़ायदा होता है। स्टूडेंट को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसे अगर एक टेस्ट में 5 सवाल हल करने थे तो हर एक सवाल पे उसको कितना वक्त देना चाहिए, और सिर्फ वक्त दे देने से उसे ये भी समझ आना शुरू हो जाती है कि हमारे जहन में जो तवक्को है जवाब की लेंथ के बारे में वो कितनी हो सकती है। सो लिहाजा ये एक अहम नुक्ता है कि आप जब इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो या सवाल लिख रहे हो ऐसे टाइप तो उसके अंदर इस बात का जिक्र करें। ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि हम जब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की कोई स्किल्स मेजर करते हैं तो एक ही सेट ऑफ स्किल्स सबका मेजर करना चाहिए ताकि उनका रिजल्ट कंपेरेबल हो सके। सो आपने ऐसे टाइप आइटम्स में ऑप्शन जो है ये नहीं देनी चाहिए। अमूमन टेस्टों में वो वाले सवाल ज़्यादा देने चाहिए जिनमें कम वक्त दरकार होता है हल करने में, और उन सवालों की तादाद कम रखनी चाहिए जिनका जवाब देने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। इसी तरह कोई भी सवाल मैं दूं तो ये बात भी बहुत अहम है कि सवाल लिख के आप अपने जहन में सोचें कि अगर आप इसका जवाब देने के लिए बैठें तो जवाब देने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहली बात तो ये कि आपको सवाल की स्टेटमेंट क्या समझ आ रही है, कि इसके जवाब में जो चीज़ें आनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं, और फिर आप ट्रायल के तौर पे वही सवाल अपने किसी कुलीग को पढ़ा के उसे पूछें कि अगर आप इसका जवाब दें तो आप किन बातों को मद्देनजर रखेंगे। अब अगर उनकी बताई हुई बातें, आपके कुलीग की बताई हुई बातें और आपके जहन में मौजूद बातें मिलती हैं तो इसका मतलब है कि आपके सवाल की स्टेटमेंट से ये बात वाज़े है कि क्या पूछा जा रहा है। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि आपके जहन में तो कुछ और बात है लेकिन आपके कुलीग उस सवाल को पढ़ें तो उनके जहन में कुछ और बात आती है, तो इसका मतलब है कि फिर प्रॉब्लम जो है वो उसकी स्टेटमेंट के साथ है। ये इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जितने लोग पढ़ेंगे उनको फ़र्क फ़र्क मतलब समझ आएगा और फिर वो साफ ज़ाहिर है फ़र्क फ़र्क जवाब देंगे, लेकिन आप सिर्फ उसको नंबर देंगे जिसकी सोच आपकी सोच से, सवाल समझने की हद तक जिसकी सोच आपकी सोच से मिल गई उससे आप उसको आप नंबर दे देंगे। ये एम्बिगुअस सवाल की निशानी है, यानी इसका मतलब है कि खराबी जवाब में
उपयुक्त है या नहीं इसका तयन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल इटसेल्फ अपना मीनिंग पूरी तरह से नहीं बताता। सवाल बनाएं, फिर उसका एक टेंटेटिव जवाब अपने जहन में सोचें, किसी दोस्त के साथ वेरीफाई करें और फिर देखिए कि वो सवाल दुरुस्त है या नहीं है, स्टेटमेंट उसकी दुरुस्त है या नहीं है। जब आप बना सवाल का जवाब लिखें एक टेंटेटिव, तो साथ ही उसकी स्कोरिंग की बना लीजिए कि इस सवाल के जवाब में कौन कौन से अहम पॉइंट्स का जिक्र होना ज़रूरी है और उनमें से कौन सा पॉइंट स्टूडेंट जिक्र कर देगा तो उसको नंबर मिल जाएंगे और कितने नंबर मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं इसकी स्कोरिंग की। इसके लिए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं स्कोरिंग रूब्रिक्स का, जो मैं आपको इसके बाद आने वाले सेशंस में इसको समझाऊंगा। ये भी बात मैंने पहले आपको बताई थी लेकिन अहमियत इसकी है, इसलिए दोबारा सुन लीजिए कि आप जब स्कोरिंग करने बैठे हैं ऐसे टाइप आइटम्स की, तो तमाम तलबा के सवाल नंबर एक को पहले चेक करें, सवाल नंबर दो को बाद में, सवाल यानी जो सवाल आप चेक करना शुरू करें तमाम लोगों का वही सवाल पहले चेक करिए, ताकि आपकी स्कोरिंग में रिलेटिवली ऑब्जेक्टिविटी जो है वो आ जाए। ठीक है, आपका मूड, टेम्परमेंट, कॉन्टेक्स्ट, जहन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेम होगा तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उनकी स्कोरिंग में ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसी तरह ये बात भी बेशक पहले हो चुकी है लेकिन फिर इसको दोबारा जिक्र करता हूं मैं। देखिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत डिबेटेड है कि क्या जब मैं फर्ज कर लीजिए कि टेस्ट ले रहा हूं मैं मुआशरती उलूम का, मुताला पाकिस्तान का, और उस टेस्ट में जवाब में बच्चा जवाब लिखता है मेरे सवाल का और उसके अंदर उसके स्पेलिंग की गलती है, उसकी ग्रामर की गलती है, उसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं है, तो मुझे क्या इस बात के नंबर काटने हैं या नहीं काटने। अब एक जो लोग कहते हैं नहीं काटने, उनका आर्गूमेंट ये है कि भाई आप तो उसका मुताला पाकिस्तान का इल्म चेक कर रहे हैं ना, नॉलेज चेक कर रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं है, उसकी ग्रामर गलत है। एज लॉन्ग एज आपको उसका फिक्रा उसी मीनिंग में समझ आता है जिस मीनिंग में वो लिखना चाह रहा था, आपको ये पता लग गया कि वो क्या कहना चाहता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी ग्रामर गलत थी या स्पेलिंग गलत थी या नहीं थी या दिखाई खूबसूरत थी कि नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ जो इसका अपोजिट आर्गूमेंट है वो ये है कि बेशक हम चेक तो मुताला पाकिस्तानी कर रहे हैं उसका नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हमारा तालीम का एक मकसद इन चीज़ों को दुरुस्त करना भी था ना। स्पेलिंग अगर उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, उसकी लिखाई खूबसूरत नहीं है, तो बेशक उसका सब्जेक्ट का नॉलेज इतना मर्जी अच्छा हो जाए, लेकिन जब वो उसको बता ही नहीं पाता ठीक तरीके से तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे ऐसी पढ़ाई का। इन दोनों बातों में से कौन सी दुरुस्त है कौन सी गलत है इस आर्गूमेंट में मैं आपसे नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों में से जिस बात से भी आप एग्री करते हैं उसका फैसला स्कोरिंग से पहले कर लीजिए और फिर उस असूल को तमाम स्टूडेंट्स पे एक तरह से अप्लाई कर दीजिए। और स्टूडेंट के जब आप स्कोरिंग करें तो उनके नाम टेस्टों पे से उनके नाम पहले ही हज़फ कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि ख़ास तौर पे स्कूल के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना उनके अंदर, बोर्ड के एग्जाम में इतना बड़ा मसला नहीं होगा लेकिन स्कूल के एग्जाम के अंदर ये मसला इसलिए कि क्लास जब मैं क्लास 6 माह तक 7 माह तक साल तक पढ़ाता हूँ तो मेरे जहन में बच्चों के अच्छे या बुरे इमेजेस बन जाते हैं, उनकी एक उनकी पढ़ाई के लिहाज से कौन अच्छा है कौन पीछे है, और फिर जब मैं स्कोरिंग करता हूँ तो उनकी वो रेपुटेशन मेरी स्कोरिंग को इफ़ेक्ट करती है। हो सकता है कि एक बच्चे की रेपुटेशन मेरे जहन में अच्छी नहीं है लेकिन एक दिन उसने टेस्ट बड़ा अच्छा किया और सिर्फ अपनी रेपुटेशन की वजह से नंबर नहीं ले सका, तो लिहाजा अगर उसका नाम नहीं लिखा होगा तो मेरे लिए वो जो एक उसकी बैगेज मेरे साथ आता है ना उसका कि उसकी रेपुटेशन क्या है, उसको मैं एक साइड पे रख के उसके सवाल के जवाब के लिहाज से उसके नंबर लगा सकता हूँ। सो स्कोरिंग करते वक्त ऐसे टाइप आइटम्स में आपको एनोनिमसली उसको चेक करना चाहिए, यानी उनके नामों को देखे बगैर या उनके रखे बगैर उनको स्कोर करना चाहिए। ये चंद असूल हैं जो आप एक्सटेंडेड रिस्पांस ऐसे टाइप आइटम्स की डेवलपमेंट और उसकी स्कोरिंग के वक्त अपनाएं तो इससे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन और क्वालिटी ऑफ स्कोरिंग जो है वो दोनों बेहतर हो सकती हैं।